हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो स्टूडेंट्स दिसंबर में या फिर जैन में एग्ज़ाम बुक करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। सबसे पहले ये न्यूज़ है EOR के रिलेटेड। आप इस स्टूडेंट के एक बार स्कोर चेक करो, राइटिंग में 5 बैंड आफ्टर EOR, ठीक है। इनको कॉल आया था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कॉल करो, मैं बस आपको ये बोलूँगा कि जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है वहाँ पे आप डिस्कस करो। अगर आपका ट्रेनर बोले तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। तो इनका क्या हुआ, 1 बैंड इम्प्रूव हो गया, 1 बैंड है ना। मैक्सिमम जो गया हुआ है वो है 1.5 बैंड। मैंने उसके रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई थी। तो जो राइटिंग की EOR है उसका सक्सेस रेट काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग। स्पीकिंग अगर ऑनलाइन हो तो थोड़े कम चांसेस हैं EOR में, ऐसे लगा लो 10-20% मुश्किल से हैं। अगर फेस टू फेस स्पीकिंग है तो EOR अगर आप फिल करते हो तो लगा लो 40-45% है। अगर आप राइटिंग कर रहे हो और बढ़िया राइटिंग है, आपका एग्जामिनर अगर बोल रहा है तो 60-70% चांसेस हैं। आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स EOR का सोच रहे थे, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे रिजल्ट आए हमारे भी स्टूडेंट्स के स्कोर आए हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, अगर आपका एग्जामिनर बोले तो। बाकी कई चैनल्स वाले ये बोल रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम्स डिफिकल्ट आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्स ईजी आने के चांसेस हैं, ठीक है जी, डोंट नीड टू वरी। प्रैक्टिस हार्ड, प्रैक्टिस स्मार्ट, दैट्स इट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।